हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। उपायुक्त सोनल गोयल ने हाल में कोरिया गणराज्य के इंचियोंग शहर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक व सामाजिक मामले के विभाग UNDESA द्वारा आयोजित क्षेत्रीय संगोष्ठी में भागीदारी की। इस संगोष्ठी में भारत सहित दुनिया के 51 देशों के प्रतिनिधियों ने धरती पर बानों के अस्तित्व के लिए आवश्यक लक्ष्यों पर चर्चा की। उपायुक्त ने मंगलवार को लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में मंगलवार को आयोजित मासिक संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह जानकारी दी। उपायुक्त ने बताया कि वर्ष 2030 तक सतत विकास के लिए सार्वजनिक संस्थानों की क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना एवं प्रभावी साझेदारी विकास करने के विषय पर 24 से 26 अक्टूबर तक आयोजित इस संगोष्ठी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में विषय से संबंधित चलाए जा रहे कार्यक्रम, जिनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत मिशन, खुले में शौच मुक्त, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने व क्षमता निर्माण आदि कार्यों पर उपायुक्त को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने अनुभव साझा करने का अवसर मिला। मुझे ये अवसर मिला कि UNDESA, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी ओर से एक रीजनल सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसके अंतर्गत 51 कंट्रीज के पार्टिसिपेंट्स, जो कि एशिया पैसिफिक और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने उसमें भागीदारी दी। तो इंडिया से 4 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें मैं भी उस टीम का पार्ट थी। और ये मेन इसका एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 2030 तक सभी संयुक्त राष्ट्र के साथ में जितने भी देश एफिलिएटेड हैं उनको अचीव करने का एक टारगेट दिया गया है। अगर हम बात करें SDGs की, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 टोटल गोल हैं, जो कि ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ और मैनकाइंड को प्रमोट करने के लिए एक प्रयास है। सोनल गोयल ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर नमन करते हुए कहा कि देश की एकता व अखंडता में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उनकी जयंती को देश राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाएगा। झज्जर में भी उनकी जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन कराया जा रहा है। उपायुक्त ने 1 नवम्बर को हरियाणा राज्य की वर्षगांठ तथा आगामी दिवाली के पर्व के लिए भी जिला वासियों को शुभकामनाएं दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।